उस दिन हुआ ये है कि मेरे पास प्रैक्टिकल के बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया। वीर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल थालू। आज की वीडियो करते हैं शुरू, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, तो मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं। हमारे कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेज तो यहां पर मैं सर्च करने वाला हूं, हमारा किप्स कॉलेज था, तो उस पर सर्च होगा किप्स अनऑफिशियल। उतनी देर में ये करने वाला हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिकल की 3 बुक्स हैं, उनको मैं बैग में डालने वाला हूँ। तो सीन ये होगा कि जब मैं पहले दिन गया हूँ ना, तो उस दिन हुआ ये है कि मेरे पास प्रैक्टिकल की बुक डालने के लिए बैग नहीं था, क्योंकि मेरा बैग जो था उसकी वो जिप वगैरह सारी ख़राब हो चुकी थी। तो इस वजह से आज मैं ये करने वाला हूँ कि असल किया हुआ पेपर देने के लिए असल के बैग में से सारी बुक्स वगैरह निकाल लेता हूँ, और उतनी देर में मैं अपनी 3 बुक्स डाल लेता हूँ। जितनी देर में वो आएगा उतनी देर में मैं भी कॉलेज से वापस आ जाऊँगा, क्योंकि चाहिए ये कि क्योंकि कल जिस दिन मैं गया हूँ ना पहले दिन, तो उस दिन मसला ये हुआ था कि जब मैं 3 बुक्स मैंने आगे रखी हुई थी, तो बार बार बाइक हिलती थी, कभी बुक्स गिर जाती थी, कभी क्या इशू होता था। तो आज मैं ये करने वाला हूँ, ले रहा हूँ मेरा बैग ये सामने पड़ा है, इसकी मैं आपको जिप दिखाता हूँ, और ये देखिएगा ये जिप यहाँ से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो इसकी जिप बंद नहीं होती, बाकी इशू कोई नहीं है। हेल्प ले रहा हूँ, इसकी जो बुक्स हैं उसको मैं साइड पर कर देता हूँ, ताकि वैसे ही प्रॉपर वे में आके मैं वापस डाल दूँ। तो मेरी 3 बुक्स थी, मैंने इसके अंदर डाल दी, मेरी 3 प्रैक्टिकल की बुक्स थी, इसकी जिप वगैरह भी ठीक है, और इसके साथ एक बॉल पेन, एक मार्कर, ये तो चलो जेब में मेरी आ जाएगी, इनको मैं जेब में डाल लेता हूँ, इसके बैग की जिप बंद कर लेता हूँ। इसकी भी एक जिप वाकई ख़राब है, लेकिन इसको मैं दरमियान में करके ना दरमियान में करके गुजारा कर लूँगा। तो ये बैग हो गया परफेक्ट। किसी एक बंदे ने भी मेरे मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं किया, देख सकते हैं अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। तो मैं करने वाला ये हूँ कि वो लोग मैं भी देखूंगा, लेकिन कॉलेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। अगर हम लापरवाही करते रह गए तो हमारे प्रैक्टिकल के नंबर रह जाएंगे, तो कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो बाइक मैंने निकाल दी, इसको स्टार्ट करते हैं, बल्कि बाइक की हालत थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है, इसका कपड़ा निकालते हैं और इसको साफ करते हैं। तो बाइक के अंदर कपड़ा ले जाता हूँ, अंदर से जाकर कपड़ा ले आता हूँ जो इसका कपड़ा है। लो जी, इसका कपड़ा आ गया, मैं इसको साफ़ करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये स्पेस वगैरह होती है ताकि आप इसमें जो इसका कपड़ा वगैरह है वो इसके अंदर डाल दें। अब करने वाला ये हूँ कि बाइक स्टार्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले रहे हो? कैसे टेक कितने जाएगी ना कब, कितने तक आप 80 छोटा 50 का। तो यहाँ पर मैं कुल्फे वाले के पास पहुँच चुका हूँ, रास्ते में भूख लग गई थी और गर्मी भी काफ़ी शिद्दत थी, तो मैं कह रहा हूँ एक छोटा कप बना दें 50 का। मैं वहाँ सामने बैठा हूँ, यहाँ पर चलकर बैठते हैं और ठंडा ठंडा कुल्फे का इंतजार करते हैं। और ठंडे ठंडे कुल्फे का वेट कर रहे थे, तो कुल्फा भी आ गया, मेहरबानी जनाब। तो इसका आप जो जायका है आप वीडियो से भी पहचान सकते हैं कि कितना टेस्टी होगा, जैसे वगैरह जो डाली हुई है, इससे जायका तो काफ़ी अच्छा मालूम हो रहा है। आप खा कर चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खाना है तो आओ दोस्तों, कुल्फा खाने के बाद गर्म हवा भी ठंडी लग रही है, काफ़ी जायका था तक ना भी लेकिन मज़ा आया। तो मैं आपको बता रहा था कि कुल्फा खाने से जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। अब आपसे अपने सफ़र पर निकलते हैं। मेरे कॉलेज के आगे से माहौल चेक करो, गर्मी की पत्तियाँ और यहाँ पर ये रश। कॉलेज मैं पहुँच चुका हूँ। सुना था कि प्रैक्टिकल काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन किप्स में आके प्रैक्टिकल काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पर हमने देखा को डिटेल में समझा रहे हैं, कभी कुछ याद करवा रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल की कॉपियाँ बनवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। मेरा दोस्त भी इस वक्त आया हुआ है, लेकिन आया थोड़ी देर बाद था, और इसने 2 प्रैक्टिकल की क्लासेज ली हैं और मैंने भी तकरीबन 2 ही ली हैं। तो अब चलते हैं घर। असवद भाई, हमने तो सुना था प्रैक्टिकल काफ़ी इजी होते हैं और नंबर ऐसे लग जाते हैं, लेकिन किस वाले ने हमारे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल हो गए हैं। लेकिन चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है भी है, जिसकी मौजूदा कीमत अब है तकरीबन 16 से 17 करोड़। देख सकते हैं, इसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, देख सकते हैं हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है।
मसला यही है कि दोस्तों अभी जो आपने गाड़ी देखी, मुझे नहीं पता उसकी क्या सिचुएशन है और किस वजह से उसकी यही हालत थी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी ज़्यादा कीमत वाली गाड़ी की इस तरह बेएहतियाती अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर कोई वीडियो देख भी रहा है वो गाड़ियों की कीमत जानता है पर प्राइस वगैरह भी जानता है, तो इस तरह इस गाड़ी का खड़ा होना दिल को बुरा लग रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है। पर अल्लाह पाक हिफाजत करे उनकी, इनके पास नहीं है और उनके रिस्क में भी आता इजाफा फरमाए, जिनके पास मजीद है अल्लाह ताला उनको मजीद दे। जी तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था यहाँ पर, एकेडमी का पता करना था, एक दोस्त था उसकी यहाँ पर तैयारी करनी थी, उसने एमडी कैड की, तो यहाँ से पता किया, उन्होंने पैकेज जो बताया काफ़ी हाई था, मैं उसको बताऊँगा, तो यहाँ से अब चलते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। ओके, मैंने अपने दोस्त को यहाँ पर छोड़ दिया, तो मेरे साथ यहाँ पर ये किप्स में आया हुआ था कॉलेज में, मैंने इसको मेट्रो पर छोड़ा है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो अगर आपको ऐसे स्टार नज़र आते हैं, तो गर्मी का मौसम हो और अगर आपको ऐसे स्टार नज़र आते हैं तो आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि उनके ऊपर लिखा होता है शरबत पालसे का ठंडा, मतलब इससे ऐसा सुकून मिलता है, अगर आप इसको गर्मी में पी लेते हैं तो दिल को एक सुकून सा मिलता है। यहाँ से आके पानी पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने का गिलास है? इसका इमली का है, इमली आलू बुखारे का। तो यहाँ से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम करते हैं। बहरहाल ठंडा होने वाला हूँ काफ़ी गर्मी की वजह से, देख सकते हैं मुझे पसीना भी आ रहा है और मौसम की वजह से यहाँ पर मैं रुका हूँ रोड पे। अंकल इसमें आप क्या डाल रहे हैं पहले? इमली का शरबत है। अच्छा, सबसे पहले इमली का शरबत डाले गिलास में, उसके बाद आप पता नहीं क्या डालने वाले हैं। अंकल सादा पानी, सादा पानी है लेकिन ठंडा है, तो इसको गिलास में डालने वाले हैं। तो मतलब ये पहले आपने तैयार करके रखा हुआ है इसको, ठीक है, बस इसमें आप पानी मिक्स करेंगे तैयार हो जाएगा, मतलब यहाँ से मिक्स करेंगे तो शरबत ये तैयार हो जाएगा। इसकी आपने कीमत क्या बताई है? 30 रुपये। वाह भाई वाह। अगर आप सब्ज़ाज़ार के इर्द गिर्द रहते हैं तो इनका ये स्टॉल आप देख सकते हैं, इनके पास आएँ, ठंडा ठंडा पानी पिएं और प्रैक्टिकल देने गया था, इतनी देर में घर आए हूँ तो असद भी आ गया है, तो उसके साथ नवीद भी आ गया। असद भाई पेपर कैसा हुआ है? मुख्तसर सा जवाब देना। परफेक्ट हुआ है। नवीद भाई आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया। ये तो रिजल्ट आएगा पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं पार्किंग में आया हुआ था तो छोटा सा बच्चा मुझे कह रहे कि पर्ची दे दो। ये भी मेरे पर्ची हैं? पर्ची के कितने पैसे हैं? पैसे कितने हैं पर्ची के? 20 रुपये। 20 रुपये यार मर्जी है यार, महंगे दे दो, ये भी मेरे से पर्ची लेना है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।